आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लीक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि AMD के APUs के ऊपर होने वाली है। AMD इस साल अपने 3 APUs को लॉन्च करने वाला है जो कि है Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7। अगर हम AMD के प्रीवियस हिस्ट्री की बात करी जाए तो कभी भी उसने Ryzen 7 का APU कभी लॉन्च नहीं किया, मगर इस बार ही वो Ryzen 7 का APU भी लॉन्च करने वाला है, तो जो कि बहुत ही एक अच्छी बात होने वाली है गेमर्स के लिए जिनका बजट बहुत ही लो होता है या फिर उनका बजट इतना होता है कि वो 40 से 50 हज़ार के बीच में एक PC बिल्ड करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें एक हैवी CPU ले सके और उसके साथ वो एक ग्राफिक कार्ड नहीं ले सकते, इसीलिए वो एक Ryzen 5 या Ryzen 3 के साथ ही चले जाते हैं। तो इस बार AMD ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। तो अब थोड़ी सी इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो Ryzen 3 5300G है वो हमें 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाता है और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो हमें 3.9 GHz की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है और 4.2 इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। अगर इसकी L3 कैश की बात करी जाए तो इसमें हमें 8 MB की देखने को मिल जाती है और इससे ये सिर्फ 65W ही TDP के साथ आएगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करी जाए तो ये $150 ही होने वाला है। अगर इसकी इंडियन रुपीज़ में बात करी जाए तो ये करीबन आपको 11,000 रुपये में मिल जाएगा। अब बात करते हैं Ryzen 5 5600G, तो इसमें हमें 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी रहेगी वो है 3.9 GHz और इसकी बूस्ट रहेगी 4.4 GHz और इसकी L3 कैश रहेगी वो है 16 MB और ये सिर्फ और सिर्फ 65W की TDP के साथ ही आएगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करी जाए तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ $250 का देखने को मिल जाएगा और इसकी इंडियन रुपीज़ में बात करी जाए तो करीबन आपको 18,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हमारे Ryzen 7 की, Ryzen 7 5700G, तो इसमें हमें 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाएगा और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो 3.8 GHz रहेगी, बूस्ट रहेगी 4.4 GHz। L3 कैश की बात करी जाए तो इसमें हमें 16 MB देखने को मिल जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ 65W रहेगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि इतना हैवी प्रोसेसर के साथ हमें इतनी कम TDP देखने को मिलेगी, तो इसमें हमें जाहिर सी बात है कि हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को इसमें मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगी वो करीबन $350 रहेगी, जो कि इंडियन रुपीज़ में बात करी जाए तो करीबन 25,000 रुपीज़ रहेगी। ये अगर ये जितनी भी प्राइजेज मैंने बताई है सारी की सारी एक लीक्स आएगी, अगर ये इसी प्राइस पे आता भी है तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी गेमर्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा APU मिले या CPU मिले वो भी कम प्राइस में। और आप जानते ही हो कि इंडियन मार्केट की हालत इतनी ख़राब चल रही है कि यहाँ पर आते आते कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इनकी कंक्लूजन की बात करी जाए तो इसमें हमें बस 200 MHz की ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देखने को मिल जाती है, वो भी प्रीवियस जनरेशन के APU के मुकाबले। PCI Express Gen को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है इस APU में। अगर आप एक बजट में PC बिल्ड करना चाहते हो और आपका बजट इतना नहीं है कि एक ग्राफिक कार्ड बाय कर सके और आप सोच रहे हो कि वो ग्राफिक कार्ड में बाद में बाय कर सकूं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप इस APU का वेट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा APU होने वाले हैं। ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।